सो आई बताऊंगा न्यू BSS मॉडल बजाज पल्सर 150 cc सिंगल डिस गियर ब्रेक जो एज एडिशन है काफ़ी शानदार है। और ये सिंगल डिस ब्रेक की है बाइक, मतलब डबल डिस ब्रेक की भी आती है। सिंगल डिस ब्रेक मतलब कि आप सिंगल डबल ब्रेक डिस ब्रेक करवा सकते हैं और काफ़ी शानदार है ये। इसकी एसेसरी सब आती सब मिलाकर लगभग 1,11,200 रुपये पड़ सकती है। न्यू दिल्ली का प्राइस बता रहा हूँ। दोस्तों आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं। बेल बटन जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती रही। और दोस्तों मेरा एक और चैनल है जो खेत तरीके के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं कोई भी तरीके के लिए कोई वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहेगी। और ये रही रेड कलर की बजाज पल्सर 150 cc और काफ़ी शानदार है। और ये 150 cc की है और काफ़ी नए फीचर मिल जाते हैं ये और काफ़ी देखने में काफ़ी पावरफुल दिखाई देती है। और ये इसकी 15 लीटर फ्यूल भर सकते हैं और इसकी मैक्स पावर की बात करें तो 13.8 BHP और 8000 RPM मिल जाती है। मैक्स चार्ज इसमें 13.4 NM और 6000 RPM मिल जाती है। काफ़ी शानदार ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ABS डिस्क ब्रेक। और ये 5 गियर की है और ये नंबर प्लेट के लिए मिल जाता है सामने। और LED में पूरे डैशबोर्ड मिल जाता है। सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे दम ब्रेक मिल जाता है जो सामने का डिस्क ब्रेक रहता है। और अलॉय व्हील 17 इंच के रहते हैं। ये पल्सर की बेजिंग और रेड कलर की ग्राफिक मिल जाती है, रेड और ब्लैक कलर की। ये सामने का डैशबोर्ड, ये पूरा कांटा पूरा घूमेगा। फिर उसके बाद इंजन ऑफ ऑन करने की वहाँ पे स्विच मिल जाती है और सर पे 7 बटन पूरे वहाँ पे कंट्रोल दिखाएगा क्या है। और न्यूटर के लिए और इंडिलेटर के लिए पूरे स्विच दिखाएगा वहाँ पे इंडिलेटर के लिए। और वहाँ पे ऑन है, यहाँ से दिखाएगा ऑन हो गई। और ये मेरा राइट साइड था इंडिलेटर और वहाँ पे पूरा दिखाएगा। ये बंद कर दूंगा तो वहाँ पे बंद हो जाएगी। और ये पासिंग के लिए मिल जाती है सर, ये पासिंग के लिए मिल जाती है। और लाइट ऑन ऑफ करने के लिए हॉर्न के लिए मिल जाते हैं। और ये फ्रंट टायर की यहाँ पे इंजन बटन ऑफ ऑन करने के लिए मिल जाता है, सेल्फ के लिए मिल जाता है ये सेल्फ। और काफ़ी शानदार है। और ये मैच स्टार्ट इसमें 13.9 और 6000 RPM मिल जाती है। काफ़ी सामने का देश बहुत काफ़ी अच्छा है। ये इंजन बटन दिखाएगा, जैसे आप इंजन बटन ऑन कर देंगे तो चालू हो जाएगा इंडिकेटर के लिए और इंडिकेटर के लिए। ये BSS मॉडल ABS की वो दिखाएगा, पल्सर की बेजिंग, DTS की बेजिंग किट मिल जाती है। और इंजन काफ़ी पावरफुल मिल जाता है, DTS की बेजिंग, ये ब्रेक मिल जाता है। और ये रेड कलर की ग्राफिक मिल जाती है, शाइनिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ग्राफिक काफ़ी शानदार ब्लैक और रेड कलर की। ये आयल के लिए दिखाता है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल, इसमें तीनों आराम से बैठ सकते हैं। और ये ऑन ऑफ करने के लिए और ये स्टार्ट बट करके साइलेंसर का वाइब्रेशन नहीं होता है। और ये BS काफ़ी अच्छे फीचर इसमें फीचर मिल जाते हैं। और 5 गियर के ये और फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात है 240 mm का मिलता है और रियल वाला 130 mm का मिलता है। और काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं और काफ़ी शानदार टेल लाइट और पूरे सब फीचर LED में मिलते हैं। और 12 वोल्ट का चार्जर वहाँ पर मिल जाता है। और ये सेल्फ के लिए बटन मिल जाती है, जैसे कि आप सेल्फ ऑन करते और काफ़ी शानदार है। ये सॉकअप मिल जाता है पीछे का और ये साइलेंसर। और ग्राफिक काफ़ी रेड कलर की मिल जाती है और वो टेल लाइट जो ब्रेक दबाते हैं लाइट ऑन ऑफ हो जाएंगी अगर आप ऐसा दोते दोनों। तो ये लाइट आप देख पाए तो इतनी शानदार दिखाई देती है। BSS की स्टिकर लगा है नंबर प्लेट के पास, वो निकाल सकते हैं आप स्टिकर। और ये पीछे का ड्रम ब्रेक और काफ़ी शानदार है, ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और इधर साइड काफ़ी शानदार दिखाई, 150 की बेजिंग वाइट कलर की है और ब्लैक और रेड कलर में काफ़ी शानदार ग्राफिक मिल जाती है। और ये चैन कवर इसके फुल मिल जाता है और ये सॉकअप काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें मतलब 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये जो चैन कवर है फुल मिल जाता है और ये मेन डार्ट मिल जाता है, ये इंडिलेटर हाइलोजन में इंडिलेटर मिल जाती है।
और टेल लाइट हेडलैम्प और पूरे एलईडी में मिल जाते हैं। और ये दोनों साइड गियर के लिए मिल जाता है, मतलब कि ये रेड कलर की ड्रॉपिंग मिल जाती है, काफ़ी शानदार ब्लैक और रेड वाइट काफ़ी शानदार दिखाई देती है। सीट आप देख पा रहे हैं काफ़ी कंफर्टेबल, चलाने में भी काफ़ी अच्छी है, मैं चला के देखा और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला यहाँ बजाज एजेंसी में। और ये दो मिलर मिल जाते हैं, एक राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, और ये सामने का डैशबोर्ड और बजाज की स्टिकर मिल जाता है, और ये डिस्क ब्रेक की ऑयल के लिए मिल जाता है, और ये गियर लगाने के लिए मिल जाता है, आगे न्यूट्रल होगी पीछे गियर, ये आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी शानदार है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।